कोई सांप्रदायिकता की बात करता है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता है, कोई जातिवादी की बात करता है। हम केवल और केवल जो चुनाव लड़ रहे हैं वो विकास के मुद्दों पे लड़ रहे हैं, यहाँ की बदहाली के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाथी पे बैठने का टिकट लगता है, साइकिल की सवारी फ्री है। जो कभी पैसा लेके टिकट देते थे, आज दे करके पैसा दे करके टिकट लाए। हाथी पे बैठे हैं उनको जमीन नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, हाथी पे बैठे कर जमीन दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, साइकिल वाले जमीन पे रहते हैं, जमीन पे चलते हैं। और इस समय देख सकते हैं मविकला में मौजूद है सहारनपुर देहात से विधायक आशू मलिक, यहाँ पर पहुंचे हैं अपने भाई का समर्थन करने के लिए, यानी के प्रत्याशी है साइकिल से। और ये पीछे देखे जोश कितना है लोगों में, लोग साइकिल लेकर चल रहे हैं। आशु मलिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे जरा बातचीत करते हैं। मलिक साहब, कैसे देखते हैं जन समर्थन अब तो पूरा मिल रहा है जनता का? देखिए, हम सहारनपुर के विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं जी। और जहां भी जा रहे हैं पूरा जनता का जन समर्थन मिल रहा है, इसके लिए हम जनता के आभारी हैं और हमेशा आभारी रहेंगे। हालांकि आशु मलिक जी, चुनाव के जो प्रचार था उसमें थोड़ी देरी हो गई क्योंकि ईद का समय था, अब कैसा दिख रहा है? देखिए, रमजान के महीने में थोड़ा सा रही थी, आचार संहिता रमजान में लगी थी, लेकिन अब प्रचार पूरी तरह से शुरू हो गया है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर जो देखा जाए, जीत की पूरी वहां पर कयास लगाए जा रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं 1 लाख से जीत है। इमरान मसूद साहब का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वो हमेशा बीजेपी से बड़ा झूठ बोलते हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा एक अनुमान हमने लगा रखा है और पूरी पूरी हमारे पास एक कैलकुलेशन है जिसमें हम जीत रहे हैं, कैसे देखते हैं? वो सिर्फ कैलकुलेशन में जीत रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि बीएसपी को अभी चुनाव में केवल 8,000 वोट शहर सीट पर मिला था। अच्छा, और हमारी पार्टी को 1,36,000 मिला था। अच्छा, आज जिनको 8,000 मिला था वो भी बीजेपी में चले गए। अच्छा, वो 8,000 भी गया उनका। अच्छा, एक और चीज है, बीजेपी कह रही है कि क्या कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो ज्यादा सही काम नहीं कर रहे हैं, केवल हराने का काम की वजह से खड़े हैं, वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये चुनाव जो है सहारनपुर के मूलभूत मुद्दों का है, यहाँ की सड़क का है, यहाँ की पानी व्यवस्था का है, यहाँ के मोहल्लों में साफ सफाई का है, उस पर कोई प्रत्याशी बात ही नहीं कर रहा है। कोई सांप्रदायिकता की बात करता है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता है, कोई जातिवादी की बात करता है। हम केवल और केवल जो चुनाव लड़ रहे हैं वो विकास के मुद्दों पे लड़ रहे हैं, यहाँ की बदहाली के खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आज इमरान भाई ने कहा है कि क्या कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी है उसके पास कोई नेता नहीं था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़कर बसपा को चुना क्योंकि हाथी अपनी चाल चल रहा है। देखिए, हाथी पे बैठने का टिकट लगता है, साइकिल की सवारी फ्री है। जो कभी पैसा लेके टिकट देते थे, आज दे करके पैसा दे करके टिकट लाए हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि साइकिल गिरती थी तो लोग मुझे पीटते थे, अब हाथी पे ऊपर बैठा हूँ कोई हाथ नहीं लगा। हाथी पे बैठे हैं उनको जमीन नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, हाथी पे बैठे कर जमीन दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, साइकिल वाले जमीन पे रहते हैं, जमीन पे चलते हैं। तो आपने देखा आशू मलिक यहाँ पर मौजूद थे, और आप पीछे देखे तो भीड़ बहुत जबरदस्त है, और ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से प्रचार जो है वो धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर है, और ये भीड़ देख सकते हैं मविकला में मौजूद है, आपको दूर दूर तक समर्थन के लोग दिखाई देंगे, झंडे दिखाई देंगे, और तमाम लोग यहाँ पर हैं। भाई जी, क्या नाम है? हैदर मुखिया। हाजिर मुखिया जी, कैसे देखते हैं, क्या लगता है अब क्या होगा चुनाव में? साइकिल हर जगह कह रहे हैं, हाथी बहुत चाल चल रहा है। हाथी तो बूढ़ा हो गया, अब हाथी बूढ़ा हो गया। इमरान मसूद तो कह रहे कि अब की बार नौजवान हमारे, वो तो दल बदलू लेता आज यहाँ कल वहाँ, अब तो साइकिल ही साइकिल दौड़ रही है। अगर कोई लड़ाई लड़ रहा तो अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहा है। कह रहे अगर तो साइकिल जमीन पर गिरती थी तो लोग मुझे पीटते थे, अब हाथी पे बैठा हूँ कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब तो हाथी पे बैठ लो जमीन मिलने दे रहा है, अब तो साइकिल हाथी नहीं लगने का। साइकिल में पंचर हो गया आदमी की हेल्थ, साइकिल अच्छी रखेगी, हाथी नहीं लगने का। हाथी पे बैठने वाला ऊपर ही देखेगा, नीचे आम आदमी को नहीं देखने का। अच्छा, तो देखा लोग थे, इनसे भी बातचीत करी। आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।